हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब जन्माष्टमी आने ही वाली है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाता है और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की हम इस दिन पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे कराती हूँ, इनका पंचामृत से स्नान कैसे कराती हूँ, कैसे मैं इनकी पूजा करती हूँ। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन शाम को 7 बजे के आसपास भोग आरती कराने के बाद इनको लाल कपड़े या लाल चुनरी से उढ़ा करके ढक दें। कुछ लोग फूलों से ढक देते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता हो या जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर खीरा रख दें। फिर उसके बाद जब रात में 12 बज जाए, खीरा लिया था उसको हम किसी भी सिक्के से इस तरह से इसका डंठल काट करके अलग कर देंगे। हमें चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसे नाल छेदन प्रक्रिया कहा जाता है और इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है। तो हम घंटी बजाकर या हाथ से ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी का कपड़ा हटा देंगे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चौकी पर या आसन पर बिठा देंगे। ये जन्म की प्रक्रिया होती है। फिर हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। जैसे बच्चे को जन्म के बाद स्नान कराया जाता है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी कराना होता है। पंचामृत से स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पर दूध, दही, शहद, चीनी और घी ले रखा है। और आपको कच्चा दूध लेना है, आपको गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप चाहें तो थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी को बर्तन में डाल देंगे, इससे ना अच्छी खुशबू आती है और लड्डू गोपाल जी को भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सबको एक ही में मिला करके लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग लेकर के भी लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी का जन्म आपको 12 बजे के बाद यानी 12:02 या 3 मिनट पर कराएं। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को टॉवल से अच्छे से पोंछ कर इनको नए कपड़े पहनाएंगे। तो कोशिश करिए कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को सभी नई चीज़ें पहनाइए। उनके श्रृंगार में जो भी चीज़ें आपने लाई हैं वो सब नई होनी चाहिए। तो इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करना है, इनका अधिक से अधिक ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, धनिया पंजीरी का भोग लगा सकते हैं या माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास है आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप दिया जलाइए। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। भोग के बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जन्माष्टमी पर बहुत सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा ये दी गई ये छोटी सी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल मनी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी सही जानकारी मिल पाए। तो फिर से मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। धन्यवाद।